हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मसल। ठीक है, मसल का जो स्ट्रक्चर है और मसल का जो फिजियोलॉजी है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो मसल है, पहले तो उसको देखना है कि मसल होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, उसका ओरिजिन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली कौन कौन सी प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अलावा कि मसल जो है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है बेसिकली। ठीक है, मसल की स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द मसल। तो मसल में अगर बात किया जाए, स्ट्रक्चर ऑफ मसल हम डिस्कस करेंगे, पहले उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मसल जो है, मसल इसकी जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज द मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल, मसल इज सार्कोलॉजी और इट इज ऑल्सो नोन एज द मायोलॉजी। मायोलॉजी बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ मेंट। अगर हम देखते हैं मसल्स का, ठीक है, तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप का इंडिविजुअल है। ह्यूमन जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, इन द सेंस ह्यूमन की बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो थ्री लेयर से हुआ है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पे मसल जो टिश्यूज हैं, उन मसल टिश्यूज का डेवलपमेंट जो है वो कौन सी लेयर से हुआ, हमारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो एक्टोडर्म से हुआ है या मीसोडर्म से हुआ है या एंडोडर्म से हुआ है। ठीक है, आंसर विल बी द मोस्ट ऑफ द मसल ऑफ बॉडी आर मेड अप डेवलप्ड बाय द मीसोडर्म। मोस्टली मसल, मसल ऑफ बॉडी डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म। मीजोडर्म बेसिकली वो कौन सी लेयर से डेवलप होंगे, मीजोडर्म से। बट आयरिस कॉमा सीलियरी बॉडी कॉमा मीजोथेलियल सेल्स, मीजोथेलियल सेल्स डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। वो डेवलप हुआ कैसे, एक्टोडर्म। नेक्स्ट, मसल जो होंगी, मसल फॉर्म्स 40% टू 50% वेट ऑफ एडल्ट बॉडी। जो एडल्ट है उस एडल्ट की बॉडी का, ठीक है, उसका 40-50% जो वेट है इट फॉर्म बाय द मसल्स बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें मसल का, कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो मसल जो है वो एक स्पेशलाइज टिश्यूज है। मसल वो क्वेश्चन पूछता है कि मसल्स होते क्या, दे आर ऑर्गन्स, दे आर सेल्स, दे आर टिश्यूज या दे आर सिस्टम। देन आंसर विल बी द मसल्स आर द टिश्यू, स्पेशलाइज टिश्यू है, जिसके पास एक्साइटेबिलिटी भी होता है, जिसके पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी होता है, जिसके पास एक्सटेंसिबिलिटी भी होता है बेसिकली। ठीक है, तो मसल्स है क्या यहाँ पे, मसल्स आर स्पेशलाइज टिश्यू। ध्यान रखना वो टिश्यूज है, स्पेशलाइज टिश्यूज विच हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक एक्साइटेबिलिटी, contractibility, extensibility। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज उसके पास, उस मसल्स के पास होंगी बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा लोकेशन के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे मसल्स को तीन टाइप में क्लासिफाई किया है। हमारी बॉडी के पास
थ्री टाइप का मसल है, ठीक है। ध्यान रखना बेसिस क्या क्या है। पहला बेसिस तो क्या है उसका, लोकेशन। दूसरा उसका बेसिस क्या है, अपीयरेंस, बेसिकली कैसा है, स्टेप्ड है या नॉन स्टेप टाइप का है, ठीक है। और थर्ड है नेचर ऑफ रेगुलेशन। उनके बेसिस पे थ्री टाइप का मसल है। वन इज स्केलेटल मसल, सेकेंड इज स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स भी उनको बोलते हैं, थर्ड वन इज द कार्डियक मसल्स जो बेसिकली, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ या टाइप्स ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ मसल, मसल का जो टाइप है वो थ्री टाइप्स का है। फर्स्ट इज स्केलेटन मसल, मसल। सेकेंड इज विसरल मसल एंड थर्ड इज कार्डियक मसल, कार्डियक मसल बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे जिसका जो बेसिस है, बेसिस जो है मसल्स का क्लासिफिकेशन का, दैट इज फर्स्ट इज द लोकेशन, सेकेंड इज अपीयरेंस, अपीयरेंस एंड थर्ड इज नेचर ऑफ रेगुलेशन, नेचर ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन, ठीक है। तो इनके बेसिस पे जो है जो बॉडी का जो मसल्स है वो थ्री टाइप का है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल्स जो है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ वन बाय वन अगर इसको देखें, स्केलेटल मसल एसोसिएटेड विद बोन्स, बोन्स बेसिकली वो बोन्स के साथ एसोसिएटेड है बेसिकली। दूसरा स्ट्रिप्ड मसल है, स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड मसल है, मसल, ठीक है। स्ट्रिप्ड मसल और स्ट्रिएटेड मसल का मीनिंग क्या है, अगर मसल के फाइबर्स के अंदर मुझे ट्रांसवर्सली लाइंस मिलती है रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है, तो ऐसी मसल को हम बोलते हैं स्ट्रिप्ड मसल बेसिकली, ठीक है। तो स्ट्रिप्ड मसल और स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है मसल का बेसिकली। दूसरा ये वॉलेंट्री कंट्रोल होंगी, वॉलेंट्री कंट्रोल मसल्स होंगे, ठीक है। प्लेज रोल इन, रोल इन लोकोमोटरी फंक्शन, लोकोमोटरी और मूवमेंट, और ठीक है। चाहे जॉ का मूवमेंट है, चाहे हमारे लिम्स का मूवमेंट है, उन मूवमेंट के ये जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी नहीं आता स्केलेटल मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो है उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है, दे आर एसोसिएटेड विद द बोन्स, स्टिप्ड और स्ट्रिएटेड मसल्स होंगे। यहाँ मैं इसका स्टिप्ड और डेफिनेशन देता हूँ, जिनका ट्रांसवर्स लाइंस आर प्रेजेंट इन रेगुलर इंटरवल, इन रेगुलर इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। रेगुलर इंटरवल में क्या होंगे, ट्रांसवर्स लाइन एसोसिएटेड होंगे, इन द सेंस इन मसल्स के पास मुझे इस टाइप की लाइन एसोसिएटेड मिलेगा, ये मसल है, उसके बाद फिर मुझे ट्रांसवर्स लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे मसल्स को हम बोलेंगे क्या, स्टिप्ड मसल और स्ट्रिएटेड मसल्स। सेकेंड टाइप की जो मसल्स है दे आर द विसरल मसल्स। अब विसरल मसल कौन सी होंगी, वो मसल जो हमारे विसरल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। विसरल ऑर्गन्स कौन से होंगे, ऐसे ऑर्गन जिनकी बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट होता है, चाहे अपना एलिमेंट्री कैनाल है, चाहे ट्रेकिया है या फिर यूटरस है या फिर यूरिनरी ब्लडर है, चाहे स्टमक रीजन है, चाहे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स हैं बेसिकली। तो जो हॉले ऑर्गन्स वाले, जो हॉलो कैविटी वाले जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होंगे दे आर द विसरल मसल। तो यहाँ विसरल मसल्स जो होंगे वो स्मूथ अपीयरेंस का, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है,
ठीक है, नॉन स्टिफ मसल्स है बेसिकली, इस वजह से यहाँ पे उनको स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। दूसरा थिंग्स कि जो विसरल मसल्स हैं या फिर स्मूथ मसल जो है, ठीक है, दे आर इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल, इन द सेंस इनका जो कंट्रोल है वो मेरे डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वॉलेंट्री विसरल मसल्स का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन हॉलो विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैनाल, तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो उनके अंदर मुझे ये मसल्स प्रेजेंट मिलेगी। दूसरा थिंग, मसल जो होंगे वो स्मूथ अपीयरेंस के और नॉन स्टेटेड और नॉन स्टिफ मसल्स है, दीज आर स्मूथ इन अपीयरेंस, स्मूथ इन अपीयरेंस। सो ऑल्सो नॉन एज, ऑल्सो नॉन एज स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, इनको हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं बेसिकली। दे आर नॉन स्टेटेड, नॉन स्टेटेड और नॉन स्टिफ मसल, नॉन स्टिफ मसल मसल्स बेसिकली, ठीक है। इनका फंक्शन अगर देखें तो दे आर इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल, दे आर इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल, इन कंट्रोल, इनका कंट्रोल कैसा है, इनवॉलेंट्री बेसिकली, ठीक है। दूसरा इनका जो रोल होगा वो क्या क्या रोल प्ले करती है, दे प्ले द रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी, ठीक है, वो विसरल मसल्स के थ्रू ही परफॉर्म होता है, ठीक है। इट प्लेज द रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, इन एलिमेंट्री कैनाल, जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है, कैनाल, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वन पार्ट टू अनादर पार्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ये मसल्स रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा दे प्ले द रोल इन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहां पे भी ये रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो प्लेज रोल इन ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ऑफ इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बेसिकली, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके अंदर भी वो उन गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने का रोल प्ले करेगी बेसिकली, क्योंकि वो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उनकी जो मसल्स कॉन्टेक्ट जब करेंगी देन द गैमेट्स से ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बेसिकली, ठीक है। तो थर्ड मसल्स आर द कार्डियक मसल, एज नेम शोस कार्डियक, इन द सेंस दे आर द हार्ट मसल, जो अपना हार्ट है उस हार्ट की जो मसल्स हैं उन मसल्स को हम बोलते हैं क्या, कार्डियक मसल्स। तो इनकी मैं करेक्टरिस्टिक्स अगर फीचर देखता हूँ कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट,
कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स, ठीक है। दे आर द हार्ट मसल, हार्ट मसल, जो हार्ट की जो मसल्स है उनको हम कार्डियक मसल्स बोल रहे हैं। दूसरा दे आर प्रेजेंट या दे आर arranged in branching pattern, pattern उन branching patterns के अंदर arrange होंगी muscles, होंगी stated muscles होंगी और involuntary control होंगी। In the sense हमारी height की muscles का भी जो 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 functioning है, ठीक है, या उसका action जो है वो हमारे desire के according नहीं हो तो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, इस वजह से उनको ही हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी फंक्शनिंग, ठीक है। तो दे आर इज क्रिएटेड मसल, इज क्रिएटेड मसल एंड इनवॉलंटरी फंक्शन, इन वॉलंटरी इन फंक्शन, इन फंक्शन वाइज कैसा है, इनवॉलंटरी फंक्शन होगी बेसिकली, ठीक है। तो ये उनका क्लासिफिकेशन था उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है, एज वेल उनकी लोकेशन के बेसिस पे, उनके नेचर ऑफ फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है, या नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेसिस पे। तो तीन टाइप के मसल्स हमने डिस्कस किया। वन इज स्केलेटल मसल, जो हमारी बोन्स के साथ एसोसिएटेड होगा, लोकोमोटरी फंक्शन रोल प्ले करेगा, ठीक है, वॉलंटरी टाइप्स की मसल्स होंगी। दूसरा बेसल्स मसल, जो कि हॉलो ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होगी, कैविटी वाले जो ऑर्गन्स है, चाहे अपना रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या फिर एलिमेंट्री कैनाल है या फिर यूरिनरी ब्लडर है, ठीक है, तो उनके अंदर इनर वॉल में जो मसल्स एसोसिएटेड होंगी दे आर द स्मूथ मसल, स्मूथ इन अपीयरेंस, दैट्स व्हाट आल्सो नोन एज द स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो नॉन अपीयरेंस नॉन स्टेटेड मसल्स होंगी और नॉन स्टिप्ड मसल्स होंगी बेसिकली, ठीक है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल मसल्स होंगी, जो विसरल मसल्स है। थर्ड टाइप की जो मसल्स है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कार्डियक, दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, तो हार्ट की जो मसल्स हैं उनको हम कार्डियक मसल बोल रहा है। ब्रांचिंग पैटर्न में ये एसोसिएटेड होंगी, इन द सेंस ये इनका जो अरेंजमेंट है वो ब्रांचिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। दूसरा थिंग्स की ये इनवॉलेंट्री मसल्स होंगी, ठीक है, और स्टेटेड टाइप की मसल्स होंगी। तो ये क्या है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फिर उनका क्लासिफिकेशन है बेसिकली। नेक्स्ट, अब ये जो मसल डिफरेंट टाइप का हमने मसल डिस्कस किया, इन मसल्स का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मसल, मसल का अगर स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो मसल जो होगी उस मसल के अंदर मैं देखता हूं तो मसल बंडल प्रेजेंट होगी, हैविंग मसल बंडल्स, बंडल्स बेसिकली, और इनको फैसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है, और फैसिकुलीज जो होंगी फैसिकुलीज के अंदर प्रेजेंट होंगी बेसिकली मसल फाइबर, मसल फाइबर, ठीक है। तो मसल फाइबर जो होंगे दे आर द एक्चुअल मसल सेल, और मसल सेल, ठीक है। अब ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि मसल सेल, बहुत सारी मसल सेल मिलके नहीं या मसल फाइबर मिलके नहीं बनाएंगे एक मसल बंडल, जिसको हम मसल फैसिकुली भी बोलेंगे बेसिकली, या फैसिकुली बोलेंगे, बहुत सारे फैसिकुलीज मिलके नहीं बनाएंगे क्या एक मसल, ठीक है। तो यहाँ इन मसल्स के ऊपर या फिर इन इन पार्ट्स के पास एक कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको कवर करके रखने का रोल प्ले करते हैं बेसिकली। तो जो मसल्स होंगे उन मसल्स को कवर करने का जो रोल प्ले करेगा कनेक्टिव टिश्यूज, दैट इज द एपिमाइसियम, उसको हम बोलेंगे क्या एपिमाइसियम। दूसरा मसल बंडल्स को जो कवर करेगा कनेक्टिव टिश्यू, उसको बोलेंगे पेरिमाइसियम। तीसरा जो कि मसल फाइबर्स को कवर करने का रोल प्ले करेगा, ठीक है, दैट इज द एंडोमाइसियम। तो दे आर द कनेक्टिव टिश्यूज विच कवर्स द मसल फाइबर्स, मसल बंडल्स और मसल्स बेसिकली। मसल्स आर कवर्ड बाय, कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू
दैट इज एपिमाइसिन। ये ध्यान रखना थोड़ा, एपिमाइसिन क्या होता है, एपिमाइसिन, ठीक है। जबकि फेसिकल्स मसल बंडल्स आर कवर्ड बाय, आर कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू दैट इज पेरिमाइसिन, पेरिमाइसिन। क्योंकि मसल फाइबर्स आर कवर्ड बाय, आर कवर्ड बाय एंडोमाइसिन, बाय कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू दैट इज एंडोमाइसिन, एंडोमाइसिन, ठीक है। तो ध्यान रखना पेरिमाइसिन क्या है, एपिमाइसिन क्या है और एंडोमाइसिन क्या है। वहां पूछता है कवरिंग ऑफ फेसिकुलीज इज, ए ऑप्शन पेरिमाइसियम, बी ऑप्शन एंडोमाइसियम, सी ऑप्शन इज एपिमाइसियम, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दी, देन आंसर विल बी द पेरिमाइसिन, ठीक है। वो पूछ लेता है कि जो मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स की जो कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू का जो बना हुआ है उसकी जो कवरिंग है, वो कवरिंग किस क्या है, एपिमाइसियम, एंडोमाइसियम, पेरिमाइसियम, देन आंसर विल बी द एंडोमाइसियम। तो दे आर द कवरिंग कवर। इसका डायनोमेटिक अगर रिप्रेजेंटेशन देखें मसल का, बताना कि मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल और फेसिकुलीज, और मसल बंडल और फेसिकुलीज दे आर मेड अप ऑफ द मसल फाइबर विच इज द मसल सेल्स बेसिकली। फाइबर के ऊपर सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स का और न्यूरॉन्स का, यहाँ पे दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन सप्लाई होती है। They are the blood capillaries. Blood capillaries. Okay. And they are the neurons. Nerve supply. Supply. Okay. तो ये जो दिखाई दे रहा है मसल बंडल्स, दे आर मसल बंडल्स बेसिकली, बंडल्स, और इनको हम फैसिकुली बोलते हैं, फैसिकुली, फैसिकुली। तो ओवरऑल जो है दैट इज द मसल, ये एक मसल का स्ट्रक्चर है मसल, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे एरो डायग्राम जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा डायग्राम है यहाँ पे। तो एक मसल जो होगी, ठीक है, उस मसल के अंदर है मसल बंडल दैट इज फैसिकुली। तो ये मसल जो है उसके अंदर मसल बंडल है, ठीक है, और मसल बंडल के अंदर भी हम देखेंगे तो मसल फाइबर,
ये एक मसल बंडल, दो तीन, ये मसल बंडल दिख रहे हैं जिसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, दे आर द मसल फाइबर और मसल सेल्स बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इनके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यूज का कवरिंग जो है, ठीक है, तो यहाँ मसल जो है उन मसल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज का जो कवरिंग है दैट इज द एपिमाइसिन, उसको हम बोलते हैं एपिमाइसिन, दिस इज एपिमाइसिन, एपिमाइसिन। इसके अलावा जो जो मसल के बंडल जो है, जो फैसिकुलीज जो है उनके ऊपर जो कवरिंग है दैट इज द पेरिमाइसियम, पेरिमाइसियम, ठीक है। और मसल फाइबर जो है उनके ऊपर जो कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यूज का दैट इज द एंडोमाइसियम, बेसिकली एंडोमाइसियम। ठीक है, तो ये उस मसल पूरी एक मसल का स्ट्रक्चर है। तो मसल जो है इट इज मेड अप ऑफ मसल बंडल, और मसल बंडल की जो कवरिंग है दैट इज नोन एज द पेरिमाइसियम, ठीक है। तो पेरिमाइसियम जो होगा वो क्या है, कनेक्ट करके रखेगा, जोड़ के रखेगा इन मसल बंडल को, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज है, कोलिजनस फाइबर्स है, ठीक है। दूसरा थिंग इसकी जो मसल बंडल्स होंगे, मसल बंडल्स के अंदर मसल सेल्स प्रेजेंट है, दे आर द मसल सेल्स, ठीक है। और मसल सेल को हमने मसल फाइबर्स भी बोलते हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे एक बंडल में से, एक मसल के बंडल में से या एक फैसिकुलस में से दो मसल फाइबर्स मैंने बाहर निकाल के दिखाया है, ठीक है। तो ये दो मसल फाइबर्स जो है, ठीक है, और फैसिकुलीज जो है, इन मसल फाइबर्स के ऊपर सप्लाई होता है ब्लड कैपिलरीज का और नर्व्स का और न्यूरॉन्स का बेसिकली। तो यहाँ पे इनकी जो मेम्ब्रेन होगा, तो मेम्ब्रेन इज नोन एज द सार्कुलर, और इनका जो प्लाज्म जो होगा, फ्लूइडिक जो रीजन होगा उन उन मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म बेसिकली। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था उस मसल्स का, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन थे, एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम और एंडोमाइसियम। ध्यान रखना एपिमाइसियम इज द कवरिंग ऑफ मसल्स बेसिकली, जबकि पेरिमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यूज का कवरिंग है मसल बंडल्स के ऊपर, जबकि एंडोमाइसियम जो है वो कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यूज का बिटवीन मसल सेल्स बेसिकली और मसल फाइबर्स बेसिकली, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, और इसको हम मसल सेल भी बोल रहे हैं, और मसल सेल सेल। यहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मसल का स्ट्रक्चर बताया था, इसमें ये मसल बंडल्स थे, देवर मसल बंडल्स। फिर मसल बंडल से फर्दर रिलीज हो रहा था मसल सेल्स, देवर मसल सेल्स और मसल फाइबर्स। दिस वाज मसल, दिस इज मसल बंडल, बंडल और फैसिकल भी बोलता है फैसी, ठीक है, और दे आर द मसल सेल, मसल सेल और मसल फाइबर, और मसल फाइबर।
ठीक है, तो हम ऐसा बोलते थे कि मसल सेल्स और मसल फाइबर, बहुत सारे मसल सेल्स और मसल फाइबर मिलकर नहीं बनाते फैसिकुलीज, एक बंडल, ठीक है, मैनी फैसिकुलीज कंबाइन टू फॉर्म द मसल। ठीक है, या हम ऐसे भी देख सकते थे कि मसल के अंदर जाते हैं तो वी हैव द मसल बंडल और मसल फैसिकुली, ठीक है, और मसल फैसिकुली के अंदर या फिर मसल बंडल के अंदर अगर जाते हैं तो हमें मिलेगा क्या, मसल फाइबर और मसल सेल्स बेसिकली। और इनका जो कवरिंग था वो कवरिंग बताया था एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम और एंडोमाइसियम, जहाँ पे एपिमाइसियम तो मसल के ऊपर कवरिंग था, जबकि पेरिमाइसियम जो था वो फैसिकुलीज के ऊपर की कवरिंग था, जबकि एंडोमाइसियम जो था इट वॉज कवरिंग ऑन मसल फाइबर्स बेसिकली और मसल सेल। तो हम यहाँ मसल सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक मसल सेल को मैं यहाँ से बता रहा हूँ, दिस इज अ मसल फाइबर और मसल सेल। तो इस मसल फाइबर और मसल सेल की जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो मेम्ब्रेन होगा, द मेम्ब्रेन इज नोन एज द सार्कोलेमा, जैसे प्लाज्मा लेमा होता है वैसे ही यहाँ पे इनकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज द सार्कोलेमा, ठीक है, जबकि इस सेल के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा जो प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द सार्कोप्लाज्म, द प्लाज्म ऑफ मसल सेल इज सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियस वाली कंडीशन भी मुझे इसके अंदर मिलेगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसाइटिव कंडीशन, दे आर न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसाइटिव, सिंसाइटिव, मैनी न्यूक्लियस अगर सेल के अंदर मौजूद मिल रहा है तो सिंसाइटिव कंडीशन। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द सार्कोसोम, सार्कोसोम बोलते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर जो मिलेंगी वो मुझे दो टाइप की मिलती है, तो एंटीब्यूल की फॉर्म में और एक टी ट्यूब्यूल की फॉर्म में, इन द सेंस लॉन्गिट्यूडनली अरेंजमेंट होगी और फिर वो ट्रांसवर्स अरेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दे आर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को रेटिकुलम, ध्यान रखना कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है। तो दे मेनली स्टोर द कैल्शियम आयन, दे आर एल एंड टी टाइप, टी टाइप लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली अरेंज होगी, ठीक है। तो इसे इसको एल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं और इसको टी ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। तो ये एल्टीब्यूल जो होगा इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ध्यान रखना कि इसके अंदर कैल्शियम आयन भरा हुआ है, इसी तरह इनके अंदर भरा हुआ क्या, कैल्शियम आयन, ठीक है। इसके अलावा इसके जो साइटोप्लाज्म होगा उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं मायोफाइबल्स, और मायोफाइबल्स के ऊपर प्रेजेंट होगी सार्कोसोम, सार्कोमिया, ठीक है। स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर दैट इज मायोफाइबल्स, दिस इज मायोफाइबल्स। इस स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर या मायोफाइबल्स के ऊपर प्रेजेंट होगी जो मसल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज सार्कोमियर, इट प्रेजेंट ऑन द मायोफाइबल्स। तो यहाँ मैं इस मायोफाइबल्स को अगर ऑब्जर्व करके देखूंगा तो मुझे इसके लाइट बैंड और डार्क बैंड मिलेगा,
लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड और डार्क बैंड। फर्दर हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मायोकार्डियल्स। इसमें लाइट और डार्क बैंड भी मिलेगा। ये जो मसल सेल है, इस मसल सेल के ऊपर सप्लाई होगा न्यूरॉन्स का। दिस इज द मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली। दिस इज एंड प्लेट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स है तो इसके ऊपर ये कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होंगे। दे आर कैल्शियम आयन चैनल बेसिकली। तो ये मसल सेल्स है और ये मोटर न्यूरॉन्स, इनके बीच का जो जंक्शन होगा, दिस जंक्शन इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो दिस ओवरऑल बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मसल सेल बेसिकली और मसल फाइबर। ठीक है, मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इसी को सार्कोलेमा, प्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। मल्टीन्यूक्लियेटेड कंडीशन मिलेगा तो सिंसाइटियल कंडीशन है वो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सार्कोसोम। इसके अंदर जो स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी उसको बोलते हैं मायोफाइब्रल्स। दो टाइप की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी सार्कोप्लाज्म में। रेटिकुलम जो है वो टू टाइप्स की होगी, एल टाइप और टी टाइप। अब उसमें भी एल टाइप की जो माइक्रो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। दूसरा एंड के ऊपर न्यूरॉन्स का सप्लाई प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स के बीच में और मसल सेल के बीच में जो जंक्शन होगा या गैप प्रेजेंट होगा, दिस इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में यहाँ पे एसिटाइलकोलाइन के रिसेप्टर भी प्रेजेंट होंगे बेसिकली। दे आर द रिसेप्टर जो कि सिग्नल को कैरी करने का काम करते हैं। दे आर रिसेप्टर जो सिग्नल आएगा ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, इट ट्रांसफर टू द मसल सेल थ्रू दीज रिसेप्टर्स। तो मीडिएटर की तरह वर्क करते हैं। नाउ फर्दर हम डिस्कस करते हैं यहाँ इस मायोफाइबल्स में, क्योंकि इस मायोफाइबल जो है इस मायोफाइबल्स के ऊपर प्रेजेंट है सार्कोमियर। यहाँ एक को हम बोलते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर। और सार्कोमियर जो है दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। मसल कि मसल जो है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है, कैसे वो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन परफॉर्म करती है। तो जब तक मैं इस मायोफाइबल का और इस सार्कोमियर का स्ट्रक्चर नहीं देखूंगा तब तक मुझे उसके फंक्शनिंग नहीं समझ पाऊंगा इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर मसल सेल का। अगर मैं एक एरोडायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, तो उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होगा एरोडायग्राम्स में। मसल फाइबर, मसल फाइबर का जो एरोडायग्राम है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया उसको मैं एरो के बेसिस में रिप्रेजेंट किया है टेबल की फॉर्म में। तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है मसल का फाइबर जो है या मसल सेल जो है। एक तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो हमने बोला था सार्कोलेमा, और दूसरा है साइटोप्लाज्म उसका। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को हमने डिस्कस किया था सार्कोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, वहाँ दो चीज़ें हैं, दो टू थिंग्स है। वन ये सार्कोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स और दूसरे हैं सार्कोप्लाज्मिक इंक्लूजन बेसिकली। तो सार्कोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनल्स हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला सार्कोसोम, न्यूक्लियस जो कि लार्ज नंबर होंगे उनको बोला सिंसाइटियल कंडीशन। दूसरा उनके अंदर मायोफाइबर जो प्रेजेंट है और उनको माइक्रोसोम भी बोलते हैं, उनके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हमें प्रेजेंट बने हैं। दूसरा थे कि उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जिसको हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला है, तो उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे, उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे फर्दर टू टाइप का था। वन इज पी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब पी ट्यूब्यूल्स जो होंगे दे आर लाइंग
ट्रांसवर्स टू द मायोकार्डियल, जबकि एल्टीव्यूल जो होंगे दे आर लेइंग लॉन्गिट्यूडनली टू द मायोकार्डियल बेसिकली। तो यहाँ एल्टीव्यूल जो है दे आर द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। और क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। कीप इन माइंड द एल्टीव्यूल इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन बेसिकली, जबकि सार्कोप्लाज्मिक जो इंक्लूजन है उसके अंदर मायोग्लोबिन्स मिलेगा, मुझे लिक्विड्स मिल रहा है, ग्लाइकोजन, सीपीके, एटीपीज और मायोकाइनेज, ये एंजाइम्स हैं बेसिकली जो मसल सेल के पास मुझे प्रेजेंट मिलेगा। दिस इज द ओवरऑल मसल सेल। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोलियम। स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर बेसिकली, पहली बात तो सार्कोमियर है क्या, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस दो जेड लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। दूसरा थिंग इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है बेसिकली, ये भी याद रखना है, स्ट्रक्चर है फंक्शनल यूनिट है। मैनी सार्कोमिया प्रेजेंट ऑन मायोफाइबर्स बेसिकली, मायोफाइबर्स एक मायोफाइबर्स के ऊपर हजारों सार्कोमियर होते हैं जेल मिलेगा। तो अगर उसका सार्कोमियर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर ये मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल इस मायोफाइब्रिल के ऊपर ये मैं एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि एक मायोफाइब्रिल से तो हजारों सार्कोमियर हो सकते हैं, दिस रीजन को मैं यहाँ से बाहर ले रहा हूँ। तो द सिंगल सार्कोमियर हैविंग टू जेड लाइन्स, ये जिगजैग जो लाइन्स हैं इनको हमने बोला है जेड लाइन्स। दे आर जेड लाइन्स बेसिकली, ऐसे इधर भी ये जेड लाइन जिगजैग लाइन भी इसको बोलते हैं। तो जिगजैग जो लाइन है जेड लाइन जो है इसको हम जेड विचेंचेस भी और डोवल्स मेम्ब्रेन भी और ट्रायोल्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बेसिकली। दो जेड लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स इज नोन एज द सार्कोमियर। दो जेड लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अब ये जो सार्कोमियर या जिगजैग जो लाइन्स हैं इन जिगजैग लाइन्स के साथ एसोसिएटेड है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट बेसिकली। तो एक्टिन फिलामेंट जो है दे आर एसोसिएटेड विद जेड लाइन्स, वो जेड लाइन्स के साथ अटैच्ड होंगे, जबकि मायोसिन फिलामेंट जो होंगे दे आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द जेड लाइन्स। दे आर एक्टिन फिलामेंट और इनको हम थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। इन एक्टिन फिलामेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं मायोसिन फिलामेंट जिनको हम थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। तो एक सार्कोमियर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर मुझे थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट मिलेगा ठीक है, दे आर एक्टिन फिलामेंट ठीक है। इनके बीच में
तो सार्कोमियर का जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो सार्कोमियर के स्ट्रक्चर के अंदर दो जेड लाइन्स प्रेजेंट हैं। तो जेड लाइन्स का मीनिंग क्या होता है, या तो इसको डॉवर्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और क्रायोस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसको जिगजैग लाइन्स भी बोलते हैं। बेसिकली जिगजैग लाइन्स लाइन्स भी बोलते हैं। तो दो जिगजैग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज द सार्कोमियर। बेसिकली तो इन जिगजैग लाइन्स के साथ एसोसिएटेड है थिन फिलामेंट, जिनको हमने एक्टिन फिलामेंट बोला हुआ है, ठीक है। तो बिटवीन द थिन फिलामेंट और बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट द मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट, जिनको हमने थिक फिलामेंट भी बोला है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ एक ऐसा रीजन इस सार्कोमियर के अंदर, ऐसे रीजन जहां किसी टाइप से कोई थिक फिलामेंट प्रेजेंट नहीं है। जब इस सार्कोमियर के ऊपर मैं पोलराइज्ड लाइट अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो जो रीजन जिसमें कहीं मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं है उन रीजन को बोलते हैं हम आई बैंड, ठीक है, और इसको हम लाइट बैंड भी बोलते हैं। यहाँ आई जो टर्म्स यूज लिया दैट इज द आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो यह एक आई बैंड इधर है, हाफ आई बैंड, और एक हाफ आई बैंड इधर है। बेसिकली बात आता है कि इसको हाफ अगर बोलेंगे तो फिर कंप्लीट किसको बोलेंगे, तो ये हाफ इधर होता है और हाफ इधर हो, तब जाके ये क्या है एक कंप्लीट आई बैंड का फॉर्मेशन करता है बेसिकली, ठीक है। तो एक सार्कोमियर के पास अगर हम देखें तो यहाँ पे टू हाफ आई बैंड है, एक हाफ आई बैंड ये है और एक हाफ आई बैंड ये होगा बेसिकली। तो ध्यान रखना कि आई बैंड क्या है, आई बैंड वो बैंड है जहाँ पे ओनली ऑन मुझे एक्टिव फिलामेंट मिल रहा है, मायोसिन फिलामेंट उस जगह पे एब्सेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, इसके ऊपर जब पोलराइज में लाइट डालूंगा तो ये मुझे लाइट बैंड के फॉर्म में दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द लाइट बैंड बेसिकली। इनके बीच में दो आई बैंड के बीच में वो जोन जहां एक्टिन फिलामेंट भी प्रेजेंट है और मायोसिन फिलामेंट भी प्रेजेंट है, जहां एक्टिन प्रेजेंट है और मायोसिन भी प्रेजेंट है बेसिकली, इन द सेंस जहां थिन फिलामेंट भी प्रेजेंट है और थिक फिलामेंट भी प्रेजेंट है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं दैट इज द ए बैंड, द रीजन इन विच द थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन ओवरलैपिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ उन रीजन को हम बोलते हैं क्या, ए बैंड। तो जब इस ए के ऊपर या फिर सार्कोमियर के ऊपर मैं पोलराइज्ड लाइट डालूंगा, ठीक है, तो जहां एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखा हुआ, ठीक है, दिस विजिबल एज अ डार्क, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द डार्क बैंड, इस वजह से हमने उसको बोल दिया क्या, डार्क बैंड बेसिकली, ठीक है। तो और इसको हम एनिसोट्रॉपिक भी बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं बेसिकली। दूसरा बात आता है कि इस ए बैंड के अंदर भी अगर हम देते हैं तो यहाँ एक ऐसा रीजन है जहां किसी टाइप से कोई एक्टिव फिलामेंट नहीं है। देखो यहां से अगर हम देखें इसमें एक्टिव फिलामेंट नहीं है पूरे रीजन के अंदर, पूरे जोन के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो वो रीजन ए बैंड के अंदर भी वो रीजन वो जोन जहां किसी टाइप से कोई एक्टिन फिलामेंट नहीं है, वहां ओनली ऑन मुझे कौन मिल रहा है, मायोसिन फिलामेंट, ओनली ऑन थिक फिलामेंट मिल रहा है, तो उस जोन को मैं बोलता हूं एच जोन, द जोन इज नोन एज द एच जोन। ध्यान रखना एच जोन जो होगा इट कंटेन ओनली ऑन मायोसिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, तो इस एच जोन को मैं हैंसेन जोन भी बोलता हूं बेसिकली। दूसरा थिंग, इस एच जोन के अंदर भी अगर मैं जाके देखूं, ठीक है, इस एच जोन के बिटवीन में भी मैं जाके देखूँ तो वहां मुझे एम लाइन प्रेजेंट है, और एम लाइन का मीनिंग क्या होता है, एक ओवरलैपिंग या फिर एक मेम्ब्रेनस रीजन है बेसिकली थिक फिलामेंट के ऊपर, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोला है, एम लाइन मीनिंग, ठीक है। तो ये ओवरऑल मुझे सार्कोमियर का स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान रहे ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सार्कोमियर का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, क्योंकि ये सार्कोमियर का ही फर्दर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। अगर मुझे सार्कोमियर का स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो मैं फर्दर उस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन को फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा बेसिकली। तो एक सार्कोमियर का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, ठीक है, या एक सार्कोमियर को मैं फर्दर देखता हूं तो इसके अंदर मुझे दो तो जेड लाइंस मिल रहा है, वन सार्कोमियर हैविंग वन ए बैंड, ठीक है, अब ए बैंड कौन सा था जिसमें कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट हो गए, हैविंग एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, ठीक है।
दूसरा टू हाफ आई बैंड है, एक हाफ आई बैंड तो इधर है और एक हाफ आई इधर है, टू हाफ आई बैंड, आई बैंड। तो ये हाफ आई बैंड जो होंगे दे हैविंग ओनली एक्टिन फिलामेंट, ओनली एक्टिन फिलामेंट, इसमें ओनली हम क्या है एक्टिन फिलामेंट देखो, यहां से सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मुझे एक्टिन फिलामेंट देखेगा। दूसरा थिंग इसके अंदर मुझे वन एच जोन भी मिल रहा है, वन एच जोन जिसको हैंसन जोन भी बोला है, हैंसन जोन। अब एच जोन जो है ये वो रीजन है जिसमें ओनली ऑन थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये ए बैंड के अंदर मुझे मिलेगा, ठीक है, जोन इन विच ओनली मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट, मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट, जिसमें क्या है ओनली मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट, ठीक है। और एक मुझे एम लाइंस मिलेगा, एम लाइंस। तो एम लाइंस मुझे किसके अंदर मिल रहा है, वो एच जोन के अंदर, किसी को प्रेजेंट इन एच जोन, ठीक है। ध्यान रखना एक साथ कोनियर जो भी है उसके अंदर एक तो ए बैंड होगा, दूसरा दो हाफ आई बैंड होंगे, एक एच जोन होगा और एक एम लाइन बैंड होगी, तब जाके पूरा एक साथ कोनियर बना और एक मायोफाइबल्स के ऊपर हजारों सारकोमियर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमें वन बाय वन क्या होगा कि इन एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स को डिस्कस करना है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है, वो ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं और जब वो स्लाइड करेंगे तो इस सारकोमियर का साइज जो होगा वो रिड्यूस होगा और रिलैक्स होंगे तो साइज जो होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इन एक सारकोमियर का अगर साइज रिड्यूस और इलेवेटेड होगा या एक्सपेंड होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके वो पूरा मायोफाइबल्स भी कॉन्टैक्ट करेगा, मायोफाइबल्स कॉन्टैक्ट करेगा तो पूरे फैसिकुलीज कॉन्टैक्ट करेगा, पूरा फैसिकुलीज जब कॉन्टैक्ट करेगा तो पूरा मसल भी कॉन्टैक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। वो फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेगा कि वो मसल फंक्शन कैसे करती है, ठीक है। यहाँ तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो जो सारकोमियर और सारकोमियर के स्ट्रक्चर के अंदर हमें फर्दर डिस्कस करना, दैट इज द एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है ना इसी का स्लाइडिंग हो, इसके बेसिस पे ये फर्दर सारकोमियर कॉन्टैक्ट और रिलैक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, और इसको हमने थिन फिलामेंट भी बोला, थिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट जो होंगे, एक्टिन फिलामेंट दे एसोसिएटेड विद आई जोन या आई बैंड, सॉरी एसोसिएटेड विद जेड लाइंस, जेड लाइंस। दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ टू हेलिकल अरेंज फिलामेंट्स, हेलिकली अरेंज these filament, these F filament, filament made up of
एफ एक्टिन, जो किससे बने हुए एफ एक्टिन, ठीक है, या एफ फिलामेंट्स आर पॉलीमर्स ऑफ, ऐसे कर सकते हैं, तो पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन, ठीक है, एंड एफ एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ, एंड एफ एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ ऑफ जी एक्टिन, जी एक्टिन, इसको ग्लोबुलर एक्टिन भी बोलते हैं बेसिकली, तो एक्टिन फिलामेंट जो है या एक्टिन प्रोटीन जो होगी, जी एक्टिन विल फॉर्म द एफ एक्टिन और एफ एक्टिन विल फॉर्म द एफ फिलामेंट, तो यहाँ दो एफ फिलामेंट क्या होंगे, वो स्पाइरली अरेंज, हेलिकली अरेंज एक दूसरे के ऊपर, और उन एक्टिन फिलामेंट्स को फर्दर एक फाइबरस प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन, वो भी टू हेलिकली थ्रो आउट द एक्टिन फिलामेंट कवर करेगा बेसिकली, या उसको रैप करके रखेगा, तो यहाँ पे दिस इज द जी एक्टिन, और जी एक्टिन मिलके नहीं बनाएंगे एफ एक्टिन, एफ एक्टिन और एफ एक्टिन मिलके नहीं बनाएंगे एफ फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, इसमें दो फिलामेंट्स होंगे जो कि क्या है, एक दूसरे को हेलिकली एसोसिएटेड करेंगे, टू हेलिकली करेंगे, दिस इज द एफ फिलामेंट, ध्यान रखना कि एफ फिलामेंट इज द पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन और एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन बेसिकली, दूसरा थे टू फिलामेंट ऑफ, टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन रन्स टू द, रन्स through the length of, through the length of F actin, F actin, actin filament है, उस actin filament के continuously run करेगा एक protein, इस protein को हम बोलते हैं further tropomycin, और इस tropomycin के ऊपर एक दूसरा protein present होगा, middle protein है जिसको बोलेंगे troponin basically, तो ट्रोपोमाइसिन जो है, ट्रोपोमाइसिन एक फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटीन जो कि उस एक्टिन फिलामेंट के थ्रू आउट द लेंथ वाइज क्या होगा, वो रन करेगा, ठीक है, नेक्स्ट ट्रोपोनिन इमीडिएट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन दिस एक्टिन ट्रोपोमाइसिन, That is troponin basically. मैं यहाँ इसका स्ट्रक्चर अगर दिखाता हूँ, तो ये एक्टिन फिलामेंट, टू एक्टिन फिलामेंट जो है या टू फिलामेंट जो है वो हेलिकली अरेंज है एक दूसरे से, इस हेलिकली अरेंज एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर दे आर द एक्टिन फिलामेंट, इनके ऊपर रन कर रहा है एक प्रोटीन दैट इज फाइब्रस प्रोटीन, वो भी हेलिकली अरेंज है, या फिर दे रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, इसको बोलते हैं हम दैट इज ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन, तो ट्रोपोमाइसिन के दो फिलामेंट्स हैं जो कि पूरा थ्रू आउट द एक्टिन फिलामेंट रन कर रहा है, इसी इन ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन्स के ऊपर एक बीडेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन, और इस ट्रोपोनिन का काम होता है दैट इज द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट,
दिस इज ट्रोपोनिम, ट्रोपोनिम बेसिकली, ठीक है। ट्रोपोनिम क्या है, दे आर इट इज बीडेड प्रोटीन, बीडेड प्रोटीन, प्रेजेंट थ्रू आउट द, प्रेजेंट थ्रू आउट द ट्रोपोनिम, ट्रोपो प्रेजेंट थ्रू आउट द ट्रोपोमाइसिन इन रेगुलर इंटरवल, इन रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के टाइम, ठीक है। ये ट्रोपोनिम जो होगा इन रेस्टिंग स्टेट, इट मास्क द एक्टिन बाइंडिंग साइट, इन रेस्टिंग स्टेट इट मास्क द एक्टिन बाइंडिंग साइट, द एक्टिन बाइंडिंग साइट एट एक्टिन फिलामेंट, ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ऑफ एक्टिन फिलामेंट, फिलामेंट किसी, ठीक है। उसको मास्क करके रखेगा, इन द सेंस ये एक्टिन फिलामेंट है तो ये रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा ना, इसके सामने होगा, तो इसके सामने अगर रहेगा तो यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट जो होगा ना वो डायरेक्टली एक्टिन के साथ बाइंड नियोफाइबर, दिस इज नोन एज द मास्किंग, इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, मास्किंग बेसिकली। तो जो रेस्टिंग कंडीशन होगा, उस रेस्टिंग कंडीशन में ट्रोपोनिम जो प्रोटीन्स हैं वो मास्क करेगा इस एक्टिन प्रोटीन्स को या एक्टिन फिलामेंट को बेसिकली, ठीक है। तो ये ट्रोपोनिम प्रोटीन जो होगा ना वो पूरा थ्रू आउट द ट्रोपोमाइसिन प्रेजेंट है, जो ट्रोपोमाइसिन जो होगा फाइब्रस प्रोटीन है जो कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। और इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होगा कौन, ट्रोपोनिम। तो एक ट्रोपोनिम का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो उनके ऊपर तीन साइट प्रेजेंट है, वन ट्रोपोनिम हैविंग थ्री साइट आई टी और सी, I, T और C बेसिकली। तो I तो ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट है, सॉरी T जो है दैट इज ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट, तो इस साइट के थ्रू तो ये ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, ये इज द ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट, जबकि C जो है वो कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट है, C इज कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और I जो है दैट इज द इनहिबिटरी साइट, इनहिबिटरी साइट, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो ध्यान रखना एक्टिन फिलामेंट के अंदर यहाँ दो हेलिकली अरेंज एक्टिन फिलामेंट हैं, ठीक है, जो कि एफ एक्टिन से बने हुए हैं, और एफ एक्टिन जो है प्रोटीन एच जी प्रोटीन से बना हुआ है बेसिकली। उस एफ एक्टिन के ऊपर क्या है, ट्रोपोनिम प्रोटीन जो एट्रोपोमाइसिन की प्रोटीन है, इट अकर थ्रू आउट द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, वो फैट की जैसे रैप करके रखा हुआ है उसको, ठीक है। तो ये ट्रोपोमाइसिन जो प्रोटीन है जो थ्रेड्स की फॉर्म में उसके प्रेजेंट है, फाइबर की फॉर्म में उस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट है, उन पर डिफरेंट रीजन पे क्या है, ट्रोपोनिम प्रेजेंट बीडेड जो प्रोटीन है। तो ट्रोपोनिम का जो फंक्शन है वो क्या है, इस एक्टिव फिलामेंट को मास्क करके रखना रेस्टिंग कंडीशन में से करें, ताकि मायोसिन फिलामेंट जो है उसके साथ डायरेक्टली आपके एसोसिएटेड ना हो, ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव फिलामेंट। नेक्स्ट मायोसिन फिलामेंट, और इसको थिक फिलामेंट भी बोलते हैं, थिक फिलामेंट, फिलामेंट।
पहली बात तो ये प्रेजेंट होंगे एक्टिन फिलामेंट के बीच में, दूसरा इनका नंबर जो होगा वो कम होगा कंपैरिजन देन एक्टिन फिलामेंट के। थिक फिलामेंट प्रेजेंट बिटवीन बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। दूसरा थिंग दे आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आई बैंड या फिर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद जेड बैंड, दे आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद जेड लाइन्स, ये जेड लाइन्स के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते। तो ये क्या होंगे ना, एक्टिव फिलामेंट्स के जस्ट बीच में प्रेजेंट होंगे। They are the polymer of neuromycin protein, उसके polymer है neuromycin। तो neuromycin is the monomer of myosin filament और मोनोमर ऑफ मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट उसका मोनोमर है। वन न्यूरोमाइसिन, एक न्यूरोमाइसिन जो प्रोटीन्स होंगे ठीक है, उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है, एक तो ग्लोबुलर हेड होगा और एक शॉर्ट आर्म टेल प्रेजेंट होगा ठीक है। वन न्यूरोमाइसिन मायोसिन प्रोटीन Having two important part. दो important part है उसके, one is globular head, first is globular head, head basically, ठीक है। जो globular head होगा इसके ऊपर दो side projects होंगी, एक तो actin binding sites हैं और दूसरे एटीपी साइट है बेसिकली, जिस साइट से वो एटीपी को यूज करते हैं और कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करेगा बेसिकली। इट हैविंग टू साइट, टू साइट, इसके ऊपर क्या है, दो साइट हैं, वन इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट साइट, एंड सेकेंड इज एटीपेज साइट, जिसे क्या है एटीपेज साइट। जबकि सेकेंड जो रीजन है उसके ऊपर दैट इज शॉर्ट आर्म ए, शॉर्ट आर्म ए ठीक है। तो अगर मैं उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, शॉर्ट आर्म टेल जो होगी ना, इट अरेंज इन द मायोसिन फिलामेंट, इट associated in myosin filament, myosin filament ये उसके अंदर amplified होगी basically, उसके अंदर associated होगी। जबकि head जो होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा या outer side में present होगा basically। तो एक neuromycin को मैं इधर बताऊंगा, this is one neuromycin, neuromyosin protein ठीक है। तो इसका एक तो हेड रीजन है क्रॉस आर्म जिसको बोलते हैं और दूसरा है इसमें टेल रीजन। this is head और दिस इज टेल,
ये तो टेल है और दिस इज हेड। और क्रॉस आर भी बोलते हैं इसको, क्रॉस आर। ठीक है, तो नीरो एक नीरोमाइसिन जो प्रोटीन है उसके पास दो पार्ट है, एक तो क्या है हेड पार्ट है और एक टेल पार्ट है। तो हेड पार्ट जो होगा इसमें दो रीजन है, दो एक्टिव साइट्स है बेसिकली, एक को तो बोलते हैं हम एटीपी और दूसरे को बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, दे आर द एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ध्यान रखना वो हेड रीजन के ऊपर प्रेजेंट होंगी एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरी है दैट इज द एटीपी, एटीपी साइट, दिस इज द एटीपी। इन द सेंस एटीपी साइड से तो क्या होगा ना, एटीपी को यूटिलाइज करेगा बेसिकली, जबकि जबकि हेड रीजन जो जो एक्टिन बाइंडिंग साइड जो होगा वो एक्टिन बाइंडिंग साइड से एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करने का काम करेगा। ठीक है, तो एक नीरोमाइसिन जो प्रोटीन है उसके दो पार्ट्स हैं, एक टेल है और एक हेड। तो हेड जो उसको क्रॉस आर्म भी बोल रहे हैं, जो कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा उस एक्टिन फिलामेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा और दूसरा एटीपी साइट होगा। तो एटीपी साइट जो है इसको हम एटीपी बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक नीरोमाइसिन जो प्रोटीन है, वन नीरोमाइसिन प्रोटीन जो है इट इज मेड अप ऑफ सिक्स पॉलीपेप्टाइड, मेड अप ऑफ सिक्स पॉलीपेप्टाइड, छह पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, जिसमें से फोर स्मॉल पेप्टाइड होंगे एंड टू हैवी पेप्टाइड चेन, टू हैवी। दो तो क्या होंगे लाइट और स्मॉल पेप्टाइड चेन है, वन इज फोर तो क्या है लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन, और दो क्या है वहां पे हैवी चेन। मैं इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से यहां बता रहा हूं, ये तो क्या है लाइट चेन, लाइट चेन क्योंकि चार है और इसमें दो हैवी चेन। ये रीजन होंगे हैवी चेन, दो क्या है इसमें टू हैवी चेन। तो चार तो इसमें लाइट चेन है और दो हैवी चेन है बेसिकली। तो हैवी चेन जो है फर्दर एक दूसरे पर कॉइल हो जाएंगी, वो टेन वाला रीजन बनाएंगे बेसिकली। तो इसका मैं ट्रिप्सिन से अगर कैटालिसिस करता हूँ, ट्रिप्सिन से मैं अगर इसको डाइजेस्ट करता हूँ एक नीरोमाइसिन को, नीरोमाइसिन से प्रोटीन को अगर मैं ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट करवाता हूँ तो मुझे दो रीजन्स मिलते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक तो हैवी रीजन्स मिलेगा और दूसरा लाइट रीजन्स मिलेगा। एक तो लाइट रीजन मिला और एक हैवी रीजन मिला, ये तो क्या हो गया लाइट। मॉलिक्यूलर वेट जब इनका देखेंगे, मैंने डाइजेशन जब करवाया इसका पेप्सिन से
उसमें दो पार्ट, दो चैन, दो पार्ट मिला है, एक तो लाइट पार्ट है और दूसरा हैवी पार्ट है बेसिकली, ये है ठीक है। तो हैवी पार्ट का ध्यान रखना कि वहाँ लाइट और हैवी चैन एसोसिएटेड है, जबकि लाइट चैन में क्या थी सिर्फ और सिर्फ हैवी चैन एसोसिएटेड थी बेसिकली। तो लाइट जो पार्ट है उसका है, इसको हम बोलते हैं लाइट नीरोमाइसिन NMN ठीक है, जबकि हैवी चैन को बोल दिया हमने हैवी नीरोमाइसिन HMN। LMM जो है This is light neuromycin, light neuromycin, जबकि HMM is the heavy neuromycin, heavy neuromycin ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो myosin filament है, तो myosin filament का एक जो unit है that is the neuromycin proteins, तो ये myosin filament है। इस मायोसिन फिलामेंट के अंदर एसोसिएटेड है कौन, नीरोमाइसिन, ये तो मायोसिन फिलामेंट है। तो इसका एक मैंने प्रोटीन यहां बताया दैट इज द नीरोमाइसिन प्रोटीन। तो नीरोमाइसिन प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिकली एक टेल पार्ट था उसके पास और एक हेड पार्ट था ठीक है। तो हेड को हमने क्रॉस ब्रिज भी बोल रहे थे, जिसके पास दो साइड प्रेजेंट है, एक्टिन बाइंडिंग साइड व्हिच कैन बाइंड विद द एक्टिन फिलामेंट, जबकि दूसरा साइड जो है दैट इज द एटीपी साइड और एक्टिन बाइंडिंग साइड ठीक है। तो नीरोमाइसिन जो प्रोटीन है ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सिक्स पॉलीपेप्टाइड चेन, वो छह पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ था। अब छह पॉलीपेप्टाइड चेन में थे चार तो लाइट, फोर तो लाइट चेन था और टू हैवी चेन प्रेजेंट थी बेसिकली ठीक है। तो इन फोर हैवी चेन और टू लाइट चेन, तो एक नीरोमाइसिन जो था इसमें दो तो हैवी और चार लाइट चेन। जब मैंने इसका फर्दर कैटालाइसिस करवा था ट्रिप्सिन के साथ, तो क्या बनाया ना, दो रीजन बनाए गए, एक तो लाइट नीरोमाइसिन और एक हैवी नीरोमाइसिन बेसिकली। जब इनका मॉलिक्यूलर वेट हमने देखा डाइजेशन के बाद ठीक है, तो एक रीजन तो मिला मुझे लाइट वाला, तो लाइट वाले रीजन को तो हमने बोल दिया लाइट नीरोमाइसिन बेसिकली। तो दूसरा जो पार्ट मिला था दैट मीन हैवी पार्ट, तो हैवी पार्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द हैवी नीरोमाइसिन बेसिकली ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट बेसिकली ठीक है। तो जो सार्कोमियर के अंदर प्रेजेंट थे, तो ध्यान रखना वहाँ जो एक्टिन फिलामेंट है वो डायरेक्टली उस जेड लाइन के साथ एसोसिएटेड थे, जबकि मायोसिन फिलामेंट जो थिक फिलामेंट थे वो बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट थे बेसिकली। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है उनका एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि वो आखिर कैसे एसोसिएटेड थे बेसिकली उस सार्कोमियर के अंदर। ये तो जेड लाइन्स था, इस जेड लाइन्स के साथ ये एक्टिन फिलामेंट थे और इस एक्टिन फिलामेंट के साथ ये मायोसिन फिलामेंट एसोसिएटेड थे, ये मायोसिन ठीक है। और मायोसिन फिलामेंट्स के अंदर जो नीरोमाइसिन जो प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इन द सेंस वो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकती है बेसिकली ठीक है। तो जेड लाइन के साथ एसोसिएटेड था एक्टिन फिलामेंट, इनको एक्टिन बोला था, एक्टिन फिलामेंट फिलामेंट ठीक है। तो एक्टिन, दो एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में एक मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट था, मायोसिन फिलामेंट ठीक है। तो मायोसिन फिलामेंट की जो मीरोमाइसिन, एक को हमने मीरोमाइसिन प्रोटीन बोला है, मीरोमाइसिन मायोसिन प्रोटीन ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगी, तो कॉन्ट्रैक्शन इधर साइड परफॉर्म करेगी तो एक्टिन फिलामेंट को साइड की तरफ पुल करने का काम करेगी, ऐसे इधर से ये मीरोमाइसिन इधर की साइड कॉन्टेक्ट करेगी तो इस एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ पुल करने का काम करेगी बेसिकली, जिसके बेसिस पे एक्टिन फिलामेंट जो होंगे दे स्लाइड्स ऑन द मायोसिन फिलामेंट्स ठीक है। तो जब एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेंगे तो अल्टीमेटली जो सार्कोमियर है सार्कोमियर का साइज रिड्यूस होता चला जाएगा बेसिकली ठीक है। तो वो हम मसल फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिकली कि वो कैसे सार्कोमियर जो है वो कॉन्ट्रेक्शन में रोल प्ले करती है बेसिकली।